से मुराद है कि मरने के वक्त को जो आदमी अपने बयान देता है। मीनिंग ऑफ डाइन डिक्लेरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। रेलिवेंट प्रोविजन इसका 46(1)(QSO) है। फॉर्म ऑफ डाइन डिक्लेरेशन यानी कि ये जो है वो दोनों हिसाब से हो सकती है, ठीक है ना। पर्सन हु मे रिकॉर्ड इट यानी कि डायरेक्शन इज मेड एनी पर्सन हु रिकॉर्ड द डायरेक्शन इट इज़ ए मटीरियल टू होम यानी कि जो आदमी मर रहा है उसको करा सकता है। रिकॉर्डिंग बाय मजिस्ट्रेट इसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है और उसको रिकॉर्डिंग बाय पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है। रिकॉर्डिंग बाय डॉक्टर भी इसको रिकॉर्ड यानी कि जो अगर वो अस्पताल में था मरने लगा तो डॉक्टर भी इसको रिकॉर्ड करके रख सकता है। उसके बाद सेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द एडमिसिबल इन द एविडेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट यानी कि इसको अगर डाइंग डिक्लेरेशन को एज एविडेंस इस्तेमाल करना हो तो फिर इसके अंदर क्या जरूरी बातें हैं वो को सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट इससे सेटिस्फाई हो कि हाँ ये ठीक है उसी का बयान है प्रूव हो जाए। वॉलंटरी स्टेटमेंट हो फिर उसके बाद में कंपिटेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द डिक्लेरेंट यानी कि जिसने बताई है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक ना हो यानी कि उसकी जो बात है उसको माना यानी कि वो मानी जाती हो यानी कि वो साफ हो उसकी बात गवाही हो उसके हक में। स्टेटमेंट मस्ट बी कम्प्लीट स्टेटमेंट रिलेट टू अ कॉज ऑफ डेथ नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद प्रोसिक्यूशन तो ये सब आपने पढ़ लेना। अगर कोई बात समझ ना लगे कंक्लूजन इसका मैंने रख दिया है और कोई बात समझ लगे कमेंट में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।